So let me start today's lecture, बेटे. जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि we have started with that normality, so let me do something on the normality, ठीक? And then we'll be doing something else. करण बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक? आपके पास आएगा normality. Normality. So when you talk about normality, बेटा normality होती क्या है? What do you mean by normality? बेटा normality का मतलब क्या होता है? Number of gram equivalents dissolved per liter. बेटे एक लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी. सो नॉर्मेलिटी की जहां तक बात करें तो नॉर्मेलिटी हो गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर. बेटा इफ इट इज इन मिलीलीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000. ठीक सर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बोला है? सो सी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जब तुम बात करते हो, ये होता है बेटा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इसलिए बेटा मैंने दो दिन लगा के आपको इक्विवेलेंट वेट समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ इक्विवेलेंट वेट यूज होगा. सो नॉर्मेलिटी जो होगी हमारे पास वो होगी, इसको यहां पुट कर देते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इनटू 1000. So this is how the formula of normality goes. तो हमारे पास ये normality हो गई बच्चे. This is our normality. ठीक, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, number of gram equivalents by volume in liter. ठीक, ये normality हो गई बेटा. So before going further, let me start with that of questions of normality right now. ठीक, देखो बच्चे, सबसे पहला question देखते हैं. जैसे हमने पिछली बार ये क्वेश्चन कर लिया था, तो मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टडी के लिए इसको करवा रहा हूं दोबारा, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे. मैंने आपको बोल दिया फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ वॉटर. ठीक है जी, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ वॉटर. क्लियर? अब देखो बेटे, हमें ये पता था कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वे इनटू वॉल्यूम अरादर सिंपली इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000. अब इस क्वेश्चन में जो ऊपर दिया है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है? डू वी हैव गिवन वेट? यस, वी डू हैव गिवन वेट, दैट इज 10 ग्राम. ठीक है बच्चे, सो डू वी हैव इक्विवेलेंट वेट? यस, फॉर H2SO4 वी नो दैट इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड इज मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी. तो मोलर मास इज 98, बेसिसिटी हियर इज 2, आंसर इज 49. तो इक्विवेलेंट वेट इज 49. ठीक, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 मिलीलीटर्स. सो पुट दिस हियर. If you put it here, you get given weight kitna 10 gram into 1000 divided by equivalent weight 49
into 500. Got this question or not? Bolo beta, samajh mein aata hai question? Bahut easy hai. Is this clear or not? Yes, yes, yes. Quickly likhte jao. Quickly likhte jana hai. Okay. Next baat. Next baat hamare paas aa jayega beta. Ye to tha find the normality of H2SO4 in 10 gram of H2SO4 present in 500 milliliter of water. ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मेलिटी पे. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मेलिटी पे कुछ ऐसे दे दिया, कहा फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन, 10% H2SO4 सॉल्यूशन having density 1.3 gram per milliliter. Theek? Find the normality of 10% H2SO4 solution having density this. Now here again, Bidhi ji, हमारे को जो दिया है 10% H2SO4, 10% H2SO4 जो है बेटे, इसका मतलब क्या होगा? What does this means? But this means 10 gram of H2SO4 is present in, 10 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution. So here we do have weight of H2SO4, that is WB, 10 gram. Here we do have ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट हमें पता होता है H2SO4 का, तो उसमें कोई नई बात नहीं है. दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2, 49. वी हैव वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज 100 एंड वी हैव डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज ऑल्सो 1.3. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है. नॉर्मेलिटी गिवन वेट अपॉन मोलर वेट into volume into 1000. Given weight upon molar weight into volume. Molar weight की जगह यहाँ पे क्या आएगा? Equivalent weight. I'm sorry. बार-बार गलती से ये हो रहा है. Equivalent weight. ठीक? तो बेटा given weight is 10. Equivalent weight is again 49. And the volume is not given. तो volume की जगह आप weight put कर सकते हो. तो ऊपर क्या put कर दोगे? Density. So this formula can be changed as WB upon equivalent weight into weight of solution upon density of solution into 1000. If we are not given with volume, but weight of solution is given, you can use this particular formula to solve normality. ठीक? तो into 1000 कर लेते हैं. तो ये भी बेटे हमारे पास बिल्कुल क्लियर है. इसमें भी मेरे को लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होती है. सो ये दो क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाए, पिछली क्लास में भी आई थिंक सो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे. तो ये नॉर्मेलिटी के दो सिंपल वाले इक्वेशन अभी मैंने सिंपल वाले क्वेश्चन शुरू किए. ठीक बेटे, कोई नहीं करवाए थे. अच्छा फटाफट बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कोई बच्चा ऐसा हो जो पूछना चाह रहा हो कुछ? यस कम ऑन, ओपन योर माइक एंड आस्क. सो इट इज सिंपल. अगर बेटे आपको वॉल्यूम नहीं दी है तो वॉल्यूम को ऐसे लिख देना. ये दूसरी तरह का क्वेश्चन हो गया. सो बिफोर गोइंग टू इट्स समवट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन नॉर्मैलिटी ठीक एंड मोलारिटी, व्हाट वी हैव टू डू इज, What we have to do is क्या करना है हमें? ठीक देखो बेटे, what is the unit of normality? उत्तर normality के यूनिट normal होते हैं. units की बात हम बात करते हैं तो gram equivalent per liter. ठीक, this not रट्टा बेटे, gram equivalent per liter, this is unit. clear? now next चीज देखेगा. next चीज हमारे पास आएगी बेटा, relationship between normality and molarity. धीरे धीरे इसको डेवलप करते हैं. ठीक, अगला है रिलेशनशिप बिटवीन
between normality and molarity. Next is difference, relationship between normality and molarity. Normality और molarity का relationship very 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 important. बहुत ज्यादा important है बेटा. तो please do take care of this. देखो बेटे, हमें ये पता है कि normality को हमने लिखा given weight upon equivalent weight into volume into 1000. If volume is taken in milliliters, certainly. और वहीं पे मोलारिटी को हम लिखते हैं. अगर हमें मोलारिटी लिखना था तो मोलारिटी क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000. ठीक है बच्चे, ये मोलारिटी. और हमें ये भी पता था कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है. जहां पे एन फैक्टर तुम्हें समझाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन होता है. एसिड के केस में एन फैक्टर किसको कहते हैं बेटा? एसिड के केस में एन फैक्टर होता है बेसिसिटी. बेस के केस में एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी. ठीक है बच्चे. और उसी तरह सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक, क्लियर. तो अब देखो बेटे, हमने यहां पे एन फैक्टर जो है वो ले लेना है. अब आप इक्विवेलेंट वेट को यहां पे बेटे पुट कर दीजिएगा, यहां पे इस जगह पर जहां पे इक्विवेलेंट वेट हमें लिखना चाहिए था वहां आप इसको पुट कर दीजिएगा. सो पुटिंग दिस यू गेट नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, मोलर मास ठीक इनटू 1000. ठीक, ऊपर आएगा गिवन वेट, रादर गिवन वेट इनटू 1000. यहां आएगा मोलर मास, ऊपर चला जाएगा बेटे हमारे पास क्या, एन फैक्टर. ठीक, और डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम. यानी मोलर मास इक्विवेलेंट मास को लिखा मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. ठीक है जी. तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि ये सारा पार्ट हमारे पास जो है बेटा, ये सारा पार्ट तो हमारे पास मोलारिटी है. तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मैलिटी जो होती है वो होती है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो दिस रिलेशनशिप इज हाईली इंपॉर्टेंट. नॉर्मैलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. ठीक, जैसे कि बेटे अगर आपको ये बोल दिया जाए फाइंड द नॉर्मैलिटी, फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4. ठीक, फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4. सो बेटा नॉर्मैलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. मोलैरिटी हियर इज 0.2. सो टेल मी व्हाट इज द एन फैक्टर ओवर हियर. ऑब्वियसली देयर आर 2H व्हिच वी कैन गिव, तो इनटू 2 हो गया, ये 0.4 हो गया. समझ में आ गई बात? प्लीज एक्सप्लेन अगेन. हां जी बेटे बोलिए. प्लीज एक्सप्लेन अगेन. यस बेटे, देखो बेटे हमारे पास मोलैरिटी है, ये इज दिस मोलैरिटी बच्चे. ठीक, और एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए. सो हाइड्रोजन कितने एक्सप्लेन हुए बेटा, कितने डिस्प्लेस हुए? 2. तो 0.2 इनटू 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.4. इज इट क्लियर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रिलेशनशिप कैसे आया सर, ये फॉर्मूला, ये तो समझ आ गया, रिलेशनशिप कैसे निकाला? बेटे मैंने सिर्फ क्या किया, देखो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला था हमारे पास, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था बेटे वेट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम. और जो इक्विवेलेंट वेट था बेटे वो था मेरे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. तो मैंने इक्विवेलेंट वेट की जगह इसको कर दिया पुट. ठीक, इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास बाय एन फैक्टर पुट कर दिया. मोलर मास नीचे चला गया और डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, एन फैक्टर ऊपर चला गया. ये जो पोर्शन है गिवन वेट इनटू 1000 मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये तो मोलैरिटी है, तो इसको अपन मोलैरिटी लिख सकते थे. इनटू क्या रहेगा, एन फैक्टर. तो नॉर्मैलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. बोलो क्लियर? क्लियर सर, क्लियर. ओके, इसी तरह से
अगर आपको ये बोल दिया जाए फाइंड द नॉर्मैलिटी, फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ 0.01 मोलर अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.01 मोलर अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी नॉर्मैलिटी हमसे पूछी है. सो इट इज वेरी इजी. नॉर्मैलिटी मोलैरिटी कितनी दी है? 0.01. एंड व्हाट इज इट्स एन फैक्टर? बेटा एन फैक्टर इज हाउ मेनी ओएच कैन बी गिवन. सो हाउ मेनी ओएच कैन बी गिवन? देयर आर 3. तो इनटू क्या कर दोगे? 3. तो नॉर्मैलिटी आ जाएगी 0.01 इनटू 3, दैट इज 0.03 नॉर्मल. बोलो क्लियर और नॉट? अगला देखो क्वेश्चन. मान लो हमें बोला फाइंड द नॉर्मैलिटी, फाइंड द नॉर्मैलिटी ऑफ 0.02 मोलर H3PO3. तो बेटे हमें यह पता था कि इस केस में नॉर्मैलिटी है 0.02 मोलर मोलारिटी है, पर इसमें देखने में H3 होते हैं पर डिस्प्लेसेबल कितने होते हैं? सिर्फ 2. एन फैक्टर कितना होता है इसका? 2. बेटा मैंने आपको 4 एसिड्स बोले थे, दिमाग में रख लो. ये बोला था H3PO3. मैंने कहा था कि जब आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि कैसे निकाला. मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें कि इसकी बेसिसिटी 2 होती है, उसी तरह से H3PO2 इसकी बेसिसिटी 1 होती है, H2SO5 इसकी बेसिसिटी 1 होती है, H3BO3 इसकी बेसिसिटी 1 होती है. ठीक, ये कुछ मैंने आपको बोला था अभी के लिए. ऐसे नहीं कि यही है, और भी है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी हो सकते थे बेटा. ये 3-4 एसिड्स मैंने आपको बताए, ठीक है जी. तो ये तो मैंने ऐसे बता दिए थे, ये ठीक और भी होते हैं, बट वो लेटर ऑन स्टेजेस पे निकाल लेंगे. तो यहां पे आपके पास इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी. तो इंटू 2 करना था बेटा, तो यहां पे इंटू 2 करके आंसर शुड बी 0.04 नॉर्मल. बोलो मेरे बच्चों, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? इज देयर एनी दिक्कत? नो सर. ओके, थैंक यू बच्चे. अगर किसी को दिक्कत है वो पूछ सकता है अभी. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. ये तो हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप के बारे में समझा, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की रिलेशनशिप क्या होती है. नॉर्मेलिटी पे 2 तुम्हें न्यूमेरिकल करवाए छोटे छोटे से, कोई ज्यादा मुश्किल वाले नहीं थे. लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशंस. जैसे बेटे हमारे पास होती थी इक्वेशंस किसकी? मोलैरिटी इक्वेशंस. वैसे ही बेटा अब हमारे पास होगी नॉर्मेलिटी इक्वेशंस. Now, जैसे मोलैरिटी इक्वेशन थी वैसे लेंगे बेटा नॉर्मैलिटी इक्वेशंस. ठीक बेटा, जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन में पढ़ा था कि मोलैरिटी इक्वेशन क्यों लेते थे, क्योंकि अगर हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया उसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है, या किसी सॉल्यूशन में पानी डाल दिया उसमें मोलैरिटी निकालनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसा ही करने के लिए नॉर्मेलिटी इक्वेशन होगी. लेकिन सबसे पहली बात जो यहां पे सीखनी है आपके लिए बहुत जरूरी होगी, वो ये कि एन इंटू वी जो होता है उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं. उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं. ऑब्वियसली आपने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा कि नहीं? तो एन इंटू वी इज एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंस.
बट यहां पे वॉल्यूम लीटर में था. मान लो वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर, देन इट विल बी कॉल्ड एज मिली इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंस. बेटे इस बात को ना बहुत ही ध्यान से समझ लेना मेरे बच्चों, क्योंकि जब तुम आगे अगले चैप्टर्स में जाओगे ना बच्चे, खास करके थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा में, तो वहां हमें मिली इक्विवेलेंट से ही काम लेना है. तो अगर वो नहीं आएगा तो बेटे बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो n इंटू वी, अगर v लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है, अगर v मिली लीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट कहलाता है. अब देखो बच्चे, अगली बात यह है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होता है. 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट. ये तो वैसे ही क्लियर होता है ना, मिली का मतलब ही क्या होता है, 10^-3. तो एक ये हमें ध्यान में रखना है, ये सब हमें ध्यान में रखना है, तभी हम अपनी नॉर्मेलिटी इक्वेशंस की बात कर पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे. ठीक, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है. सबसे पहले जब नॉर्मेलिटी इक्वेशंस पढ़ते हैं तो सिंपली लाइक मोलैरिटी इक्वेशन सेम ही है लगभग. देखो बेटे, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस में भी हमने ऐसे क्या था, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट बना लेंगे. पहला पार्ट क्या बनाएंगे बेटा, पहली बात, इफ डाइल्यूशन इज डन, पहली बात इफ डाइल्यूशन इज डन, कि हमें डाइल्यूशन करनी है, वॉटर डालना है, इफ डाइल्यूशन इज डन. दूसरी बात ये हो सकता है इफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन आर डन, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस इज डन. या तो हमने वॉटर डाला बेटा, डाइल्यूशन किया, और या सोल्यूशन की मिक्सिंग की, ये 2 चीजें हो सकती है, इधर वी मिक्स द सोल्यूशंस और डाइल्यूशन इज डन, ये 2 चीजें हो सकती है बेटा. नाउ पहली बात, इफ डाइल्यूशन इज डन, अगर डाइल्यूशन की जाए तो इक्वेशन बनती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2. इक्वेशन बनती है N1V1 is equal to N2V2. So this is our first equation. अगर हम solution में पानी डालेंगे, so this sort of equation we can have. ठीक है जी. अब देखो बेटे, हमारे पास इस पे question देख लो. आपको बोला 10 milliliter of 0.2 molar at 0.2 normal H2SO4 is added 90 milliliter of water. Find the final normality. हमें final normality निकालनी है. Question दिया है कि 10 milliliter जो है हमारे पास, किसका, 0.2 नॉर्मल H2SO4 का, उसमें 90 मिलीलीटर वाटर को ऐड किया, फाइंड दी फाइनल नॉर्मलिटी. सी इन दिस क्वेश्चन, N1 हमारे पास कितना है, N1 इज 0.2 एंड V1 कितना है, V1 इज 10 मिलीलीटर. N2 वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली, एंड व्हाट इज V2 ओवर हियर, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज V2 ओवर हियर, 100 मिलीलीटर. Yes, it is definitely 100 milliliter. 10 was initially and 90 was added, so it comes out to be 100. ठीक है जी. तो बेटा ये हमारे पास हो गया. अब हम बात करेंगे N1V1 should be equal to N2V2. ठीक. तो जो N2 आएगा बेटा, वो आएगा N1V1 upon V2. N1V1 upon V2. N1 कितना है, 0.2. V1 कितना है, 10. V2 कितना है, 100. तो आंसर इज 0.02.
देखो सिंपल बात, जैसे हमने मोलैरिटी में पढ़ा था वैसे ही बेटा नॉर्मैलिटी में होता है। अगर वॉल्यूम को डबल करोगे, अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, कंसेंट्रेशन को हाफ करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वही बात यहां पे आनी है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक। वॉल्यूम इज डबल, कंसेंट्रेशन इज हाफ। यहां वॉल्यूम आपने 10 टाइम्स कर दी, कंसेंट्रेशन 1/10 हो गई। वॉल्यूम को 5 टाइम करोगे, कंसेंट्रेशन 1/5 हो जाएगी, यानी नॉर्मैलिटी 1.5 हो जाएगी। तो इस तरह से सेम। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, यस और नो? ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग है कि अगर हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करनी है, अब बेटा अगर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करनी है, वी हैव टू पर्टिकुलर थिंग्स टू डू। एक मिक्सिंग दो तरह से हो सकती है, या तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं बेटा वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होती, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, बिल्कुल सेम मोलैरिटी की तरह चल रहे हैं, और या फिर हमारे पास रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होती। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो और या फिर रिएक्टिंग हो। वी हैव ऑलरेडी डन कि व्हिच वन इज रिएक्टिंग एंड व्हिच आर नॉन रिएक्टिंग, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, एंड दैट मैंने आपको बताया था। रिएक्टिंग में क्या, जैसे एसिड को बेस में डाल दो तो दे आर रिएक्टिंग, पर अगर एसिड को एसिड में डालोगे तो रिएक्ट नहीं होगा, अंटिल देयर इज स्पेशल केसेस जहां पे एसिड एसिड का रिएक्ट भी करता है, अगर उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर का फर्क हो। खैर वो कभी फ्यूचर में देखेंगे, ठीक। और अगर हम एसिड को एसिड में डाल दें तो हम जनरली नॉन रिएक्टिंग बोलते हैं, बेस को बेस में डाल दें जनरली नॉन रिएक्टिंग बोलते हैं, एसिड को बेस में डाल दें तो रिएक्टिंग बोलते हैं। पहले नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में, बेटा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में पहली बात तो ये है कि एन इज इक्वल टू एन वन बी वन प्लस एन टू बी टू, अगर थ्री सॉल्यूशन भी होंगे प्लस एन थ्री बी थ्री, फोर होंगी प्लस एन फोर बी फोर, डिवाइडेड बाय फाइनल बी, यानी इक्वेशन वही है एन वन बी वन ठीक प्लस एन टू बी टू प्लस एन थ्री बी थ्री डिवाइडेड बाय फाइनल बी। नाउ इफ फाइनल वॉल्यूम इज नॉट गिवन, अगर हमें ऐसे हो जाए कि इफ फाइनल वॉल्यूम इज नॉट गिवन, अगर फाइनल वॉल्यूम हमें नहीं दे रखी है तो ऑब्वियसली नॉर्मैलिटी कम्स आउट टू बी बेटे एन वन बी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाय बी वन प्लस बी टू। अगर मेरे प्यारे बच्चों थ्री भी होते तो प्लस एन थ्री वी थ्री डिवाइड बाय वी थ्री भी प्लस कर देते, तो बेटे ये हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वेशंस हो गई जब हमने नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस को मिक्स किया। जैसे यू आर गिवन अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कह दिया इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl 400 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HBr इज एडेड, फाइंड द रिजल्टिंग नॉर्मैलिटी एक बात। और दूसरी बात यह हो सकती थी कि हमसे तब भी पूछी जा सकती थी नॉर्मैलिटी, ठीक। जस्ट अ सेकेंड बेटा, हमारे से नॉर्मेलिटी तब भी पूछी जा सकती थी कि ऑल्सो फाइंड द नॉर्मेलिटी सेकेंड पार्ट, फाइंड द नॉर्मेलिटी व्हेन वॉल्यूम इज 1.5 लीटर। अब ये दो तरह के क्वेश्चन है भाई, पहली तरह का क्वेश्चन ऐसा है जिसमें फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो नॉर्मेलिटी जो आएगी
इसमें दिया क्या क्या है, इसमें एंड वन दे रखा है हमारे पास 0.1, वी वन दे रखा है 100, एंड टू दे रखा है भैया 0.2 और वी टू दे रखा है 400। तो यहां पे नॉर्मेलिटी आनी थी ये वाला फॉर्मूला एन वन वी वन, यानी 0.1 × 100 प्लस 0.2 × 400 डिवाइडेड बाय 500। और यहां फाइनल वॉल्यूम दे रखा था तो बस ये ऐसे रहना था, 0.1 × 100 प्लस 0.2 × 400 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 1500 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर और नॉट? यस। देखो बेटा बहुत सारे बच्चे एक चीज को नोटिस कर रहे हैं कि सर आपने हम मोलर दिया है और पूछा नॉर्मेलिटी है। यस यू शुड नोट दैट। बेटा देखो बेसिकली इसकी बेसिसिटी वन है, एक ही तो एच दे रहा है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होगी, बराबर होगी। बिकॉज हम ये जानते थे कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी इनटू बेस इनटू एन फैक्टर होता है, और इसका एन फैक्टर भी वन है, इसका एन फैक्टर भी वन है, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर है, इसलिए मैंने इसको सीधे ही नॉर्मेलिटी लिख दिया था। मैंने सोचा कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप समझ सकते हैं इस बात को। बोलो बेटा क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? ओके। अब ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास, ये तो था किसके लिए, व्हेन सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग। अब बात करते हैं इफ सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग। अगर सॉल्यूशन रिएक्टिंग हुए तो, सॉल्यूशन रिएक्टिंग हुए तो फिर दो केस, फिर दो केस। केस नंबर वन, अगर हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, और या फिर रिएक्शन इनकंप्लीट हो गया, दो चीजें हो सकती थी, या तो कंप्लीट रिएक्शन और या फिर इनकंप्लीट रिएक्शन। सी बच्चों, If we would have a complete reaction, अगर हमारे पास complete reaction होता है तो simple बात है N1V1 is equal to N2V2, nothing else। इसमें divide by कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, जैसे molarity में हमने किया था, यहां कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 gram equivalent will always react with 1 gram equivalent। ये equivalent weight करवाते मैंने समझा दिया कि हमेशा चीजें इक्विवेलेंट की मल्टीपल्स में रिएक्ट करती है, तो वन ऑलवेज रिएक्ट्स विद वन। तो इसलिए NV का प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, अगर रिएक्टिंग है तो N1V1 शुड बी इक्वल टू N2V2। जैसे इसका क्वेश्चन देखेगा, हमें कह दिया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 is needed to completely neutralize what volume of 0.005 molar H2SO4 is needed to completely neutralize 100 milliliter of 0.1 normal NaOH. See here, no equation is needed. जैसे molarity में equation की जरूरत होती, here there is no equation needed. Very simple. देखो सबसे पहले हम यहां पे H2SO4 की normality ले लेते हैं भाई। Normality यहां दी थी molarity. Molarity को you have to convert into normality.
0.005 into 2, that is 0.01. ठीक, और इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन इज हाउ मच, निकालनी है सर आगे NaOH, NaOH की नॉर्मेलिटी 0.1, वॉल्यूम गिवन इज 100, तो सिंपली N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इसको 1 ले लो 1 ले लो, इसको 2 ले लो 2 ले लो, भैया सॉल्व कर लो. कैन वी डू दिस क्वेश्चन एंड डू वी अंडरस्टैंड दैट? खास बात जो है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना कहां है, यहां देखना. बच्चे ये गलत करते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं, नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी पुट कर देते हैं. तो अगर बेटा नॉर्मेलिटी निकालने को है, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, तो भैया पहले मोलैरिटी को किसमें कन्वर्ट कर दो, प्लीज उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक, तब जाकर के आएगा. गलत नहीं करना है. तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा. सो दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन. अब नॉर्मेलिटी इक्वेशन के बाद ये आ गई रिएक्टिंग सॉल्यूशन, पर हमारे पास ये भी हो सकता है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट हो. हियर वी हैड अ कंप्लीट रिएक्शन, वी कैन ऑल्सो हैव एन इनकम्प्लीट रिएक्शन. If I have an incomplete reaction, again, incomplete reaction में फिर further दो चीजें हो सकती है, ठीक, whether हमें left over की normality या volume निकालने को पूछी हो, और या फिर product की volume वगैरह निकालने को पूछी, या लेफ्ट ओवर की और या फिर प्रोडक्ट की, वेदर इट इज लेफ्ट ओवर और वेदर इट इज प्रोडक्ट, ठीक है. सी, लेफ्ट ओवर या फिर प्रोडक्ट, ठीक. तो देखो बेटा, लेफ्ट ओवर की इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक. बचे हुए की नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल बी. सिंपल सी बात है. अगर फाइनल बी नहीं दिया हो, इफ फाइनल बी इज नॉट गिवन, देन एन इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है जी. अगर फाइनल बी नहीं दिया है तो वी हैव टू डू लाइक दिस. ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं हम इस पे. और वहीं पर अगर प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट की नॉर्मेलिटी, तो बेटा प्रोडक्ट की नॉर्मेलिटी हमें यहां पे ये ध्यान देना था कि यहां NB वो लेना है जिसका प्रोडक्ट बड़ा हो, जिसका प्रोडक्ट बड़ा हो. आंसर कभी हमने नेगेटिव में थोड़ी निकाल देना है यार दोस्तों, ठीक. इसी तरह प्रोडक्ट की अगर निकालनी है तो छोटा या लिमिटिंग रिएजेंट, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा. तो N2V2 इज इक्वल टू N ऑफ प्रोडक्ट V फाइनल. सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है. जैसे कि हमारी दूसरी इक्वेशन हुआ करती थी, उसमें मोलैरिटी इक्वेशन में काफी सारी चीजें मैंने करवाई थी, ठीक. लेकिन यहां पे ऐसा कोई खास मुश्किल वाला काम है ही नहीं. इट इज वेरी 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 सिंपल, ठीक. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा. जैसे बेटे वी आर गिवन विद द क्वेश्चन, अब हमारे को क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. हमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया, In 100 milliliter of 0.01 molar normal NaOH, 400 milliliter of 0.005 molar H2SO4 is added.
फाइंड एक फाइनल नॉर्मेलिटी, फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ लेफ्ट ओवर, ही फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ नंबर वन लेफ्ट ओवर बचे हुए सबस्टेंस की, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी प्रोडक्ट की, नंबर टू प्रोडक्ट। लेफ्ट ओवर के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां पे NaOH कितना है और H2SO4 कितना है। NaOH की बात करें तो इसकी नॉर्मेलिटी 0.01 है और इसका वॉल्यूम हमारे पास 100 है, तो N into V जो है वो 0.01 into 100, यानी कि हम 1 लिख सकते हैं भाई, ठीक। वहीं पर H2SO4 की नॉर्मेलिटी बेटा हियर वी आर गिवन विथ मोलैरिटी, तो 0.005 into 2 दैट इज 0.01 और वॉल्यूम 400 है, ठीक है जी। तो N into V जो यहां पर हो गया वो 0.01 into 400 यानी 4 हो गया। तो बड़ा कौन है बेटे? बड़ा नाइट्रोजन है, ये H2SO4 है, तो उसके लिए 1-1 लगा दो बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए 2-2 लगा दो। अब पहले लेफ्ट ओवर का निकालना था, तो N इज इक्वल टू N1V1 कितना है 4 माइनस N2V2 1 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो 100 प्लस 400 500 सिंपली आंसर आ जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा, नथिंग टू डू, नॉट मच टू डू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/500। You can solve this and can calculate your answer very easily. वहीं पर प्रोडक्ट की निकालते हो, तो N2V2 हम पहले से ही 1 निकाल चुके हैं, हमें पता था N2V2 is equal to N of product into V final, तो N of product is N2V2 upon V final, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होना था, N2V2 हमने 1 निकाला है by V final 500, तो सीधे आंसर आ गया। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस। यस, नाउ टेल मी इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, सो जस्ट क्या पूछना चाह रहे हो? चलो बोलो फटाफट। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर लाइक जैसे जो आपने पहली क्वेश्चन लिखवाई है जिसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें जो N2V2 है वो फाइनल, हमारे पास जो कंपाउंड है फाइनल का है वॉल्यूम। हाँ जी। और सर जो ये कंप्लीट रिएक्शन है इसमें V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट रिएक्शन ये वाला, ये तो जो कंप्लीट में अगर ये ऐसे है तो ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, द थिंग्स व्हिच आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन? यस मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर यानी कि डाइल्यूशन और कंप्लीट रिएक्शन की इक्वेशन सेम है? इक्वेशन सेम है लेकिन फर्क है मेरे भाई। अभी वंश ने और जस्ट ने बहुत अच्छा क्लियर किया है कि यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, जबकि ये वॉल्यूम ये अगर एसिड का होगा तो ये बेस का होगा, तो यहाँ वॉल्यूम भी बेस की होगी ना कि फाइनल। गॉट इट और नॉट? यस सर। सो वन मोर थिंग। हाँ जी पूछो सर। की यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की जरूरत तो नहीं है ना लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट के लिए? नॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल भी केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, इट इज फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती क्योंकि उसमें स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन की जरूरत होती है। यहाँ बेटा स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मेलिटी में कभी भी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस सर, ऑल क्लियर। ओके, नाउ अगर मान लो सर हमें मिक्सचर दिया था 2 एसिड + 1 बेस था, तो बेटा 2 एसिड जो है उनका NV+ कर लो, N1V1 + N2V2, उसमें से बेस का माइनस कर दो, -N3V3, ठीक। यानी वही काम है, अगर दो चीजें हैं हमारे पास, बस
अगर वो सेम नेचर की तो उनके एन भी ऐड होंगे, यानी उनके इक्विलेंट्स ऐड होंगे, उनके इक्विलेंट्स ऐड होंगे, और जो भी डिफरेंट नेचर की उसके इक्विलेंट्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ वी डील विद नॉर्मैलिटी इक्वेशंस. उम्मीद करता हूं सभी को नॉर्मैलिटी इक्वेशंस के बारे में समझ में आया होगा. एंड नाउ यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली, आई थिंक सो. बोलो क्लियर है कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर. हां जी बेटे बोलो. सर जो आप अभी बता रहे थे वो एक बार दोबारा बता दो. बेटे कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ यही बोला ये इक्वेशंस हैं, समझ में आ गई हैं, एंड इट्स ओके, आगे चले ठीक. और अगर नहीं समझ में आई है तो बताओ, जो नहीं आया पाठ वो करवा देंगे ठीक. सो दिस इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन. सिर्फ यही बताया कि भैया हमारे को इसमें किसी भी तरह की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट. हाँ ये बताया कि अगर मान लो 2 एसिड्स हैं और 1 बेस है, या 2 बेस है 1 एसिड है, तो बेस वाले ऐड कर लेना, एसिड वाले अलग से रख लेना. अब उनमें से जो बड़ा हुआ, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 एसिड हो पर उनके मिली इक्विवेलेंट्स, NV इज मिली इक्विवेलेंट्स, उनके मिली इक्विवेलेंट्स मिला करके 1 बेस दिया हुआ उससे कम हो, तो भैया बेस वाला पहले लिख देना और एसिड वाला सम बाद में लिख देना. यानी अगर कॉम्बिनेशन 2 एसिड 1 बेस का है तो एसिड वाले आपस में प्लस और बेस वाला माइनस, या फिर अगर बेस वाला बड़ा है तो बेस में से एसिड के सम को माइनस कर दे इक्विवेलेंस को. बोलो बेटा क्लियर अभी? सर हाँ जी बेटे. सर ये बड़ा छोटा देखने से अच्छा है कि मॉड ही लगा दें फॉर्मूला में. क्या लगा दें? मॉड, मॉडुलस. कैसे करोगे उससे? सर मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी ना मेरे बच्चे, उससे कैलकुलेशन सही हो जाएगी तेरी. हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिक्स नहीं यूज होना है यहाँ पर, यहाँ सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है ठीक. यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन के पार्ट निकल रहे हैं, हम 2 सॉल्यूशंस को अगर ऐड भी कर रहे हैं तो 1 सॉल्यूशन बना रहे हैं ठीक. उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है यहाँ पे, ये प्रैक्टिकली है. समझ में आई बात? यस सर. एक्सक्यूज मी. हाँ जी बेटे जी. सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे? इन 100 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल. हमारे पास दिया है किसका 100 ml है, 0.01 नॉर्मल NaOH का, इसमें 400 ml मैंने इसका डाल दिया है. मुझे बोला लेफ्ट ओवर और प्रोडक्ट की बताओ, तो लेफ्ट ओवर का मेरे को पता था N1B1, तो मैंने NaOH का नॉर्मेलिटी देखा कितना दिया हुआ है 0.01, उसका वॉल्यूम देखा कितना दिया है 100, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया तो 100 × 1. अब H2SO4 का भी ऐसे देख लिया, मोलैरिटी की, उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया और वॉल्यूम उसका दिया है, तो N एंड B निकाल के उसका क्या निकाल दिया, NB. जो ज्यादा वाला था उसके आगे 1 लगा दिया, जो कम वाला है उसके पीछे 2 लगा दिया. तो हमने क्या किया, N1B1 में से N2B2 जो है वो माइनस कर देना है ठीक. अगर हमारे पास लेफ्ट ओवर का निकालना है तो लेफ्ट ओवर में ये N1B1 वॉज 4, N2B2 वॉज 1 और B टोटल इज 500, तो इसको 3/500 कर लोगे बेटा क्लियर. और वहीं पर जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास N2B2 एंड ऑफ प्रोडक्ट माइनस बी फाइनल, तो मेरे दोस्त एंड ऑफ प्रोडक्ट बी फाइनल, एंड प्रोडक्ट बी फाइनल क्लियर? यस सर. थैंक यू सर. ओके बेटे. हाँ जी भाई साहब बोलो जी. सर मैं एक चीज पूछनी थी, एक बार सर आप दोबारा बता सकते हो कि सर नॉर्मेलिटी के केस में जो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं सर, उनमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मतलब क्यों जरूरत नहीं पड़ती जैसे मोलारिटी में पड़ती है? हाँ जी, क्योंकि बेटे हमारे पास ये हमेशा ध्यान में रहे कि 1 मोल मे नॉट रिएक्ट विद 1 मोल बट 1 इक्विवेलेंट विल ऑलवेज रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट. ये जरूरी नहीं होता कि 1 मोल 1 मोल से रिएक्ट करे, हो सकता है 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करे, 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करे, ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग विल न्यूट्रलाइज 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, क्योंकि बेटा रिएक्शन हमेशा इक्विवेलेंट्स के टर्म में होते हैं. हमने इक्विवेलेंट वेट की क्या डेफिनेशन दी थी बेटा? हमने इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ही ये दी थी, मिनिमम मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद मिनिमम मास ऑफ अदर, यानी दोनों के मिनिमम मास है. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट.
तो इसलिए अगर दो एक ग्राम इक्विवेलेंट है तो दो ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, एक है तो एक के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी ये तो क्लियर है ना यहाँ पर कि भैया इसमें स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो के साथ रिएक्ट कर जाए, एक एक के साथ ही रिएक्ट करेगा। जबकि मोलैरिटी में हम मोल्स लेते थे, मोल्स में ये जरूरी नहीं कि वन मोल रिएक्ट विद वन मोल, वन मोल मे रिएक्ट विद मोर देन वन मोल, इसलिए वहां स्टोकियोमेट्रिक ऑप्शन की जरूरत पड़ती थी। बोलो क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर वो जो आपने हमें अभी बताया था जैसे दो एसिड और एक बेस गिवन है, तो सर आप एक बार उसका एक एग्जांपल देकर समझा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल समझा सकते हैं जनाब। हमें ऐसे बोल दिया इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर ईच of 0.1 molar HCl, 0.1 molar H2SO4 and 0.01 normal NaOH is given, is taken. Find the final normality in the solution. Normality in the solution. Obviously, बचे हुए की होती है. Find the final normality of the solution. तो जो n होगा, ठीक वो निकालना है. इसके लिए हमारे पास तीन चीजें दी हैं. पहले दिया है हमारे पास एसिड HCl. दूसरा दिया है H2SO4. और तीसरा दिया है NaOH. ठीक है जी. अब यहां पर हमारे पास HCl जो दिया है बेटे, उसमें नॉर्मेलिटी हमारे को दे रखी है क्योंकि इसकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम होगी 0.01, ठीक है जी। और ये जो V होगा, ठीक V आ जाएगा 100, क्योंकि 100 ही दिया है ना, तो इसका N into V सीधे निकाल लेते हैं, 0.01 into 100 that is 1। H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है, ठीक है जी, H2SO4 की नॉर्मेलिटी इससे डबल होनी है, ठीक। तो यहां पे 0.02 लिख दिया मैंने सीधे ही, वो समझ में आता है, बेसिकली 2 है। और वॉल्यूम जो है इसकी भी 100 मिलीलीटर है, तो इसका N into V का जो प्रोडक्ट है वो 0.02 into 100 है। कहने का मतलब यहां 2 आ गया। अब NaOH जो है वो हमारे को दे रखा है, इसकी नॉर्मेलिटी 0.01 है और वॉल्यूम 100 है, ठीक। तो इसका जब n into v निकाले तो 0.01 into 100, so this also comes out to be 1. So now अगर इन दो, ये दोनों एसिड हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होंगे तो नेट नॉर्मेलिटी जब निकालेंगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ठीक, और हम वो देख रहे हैं वो ज्यादा है, 2+1 कितना हो गया 3, ज्यादा है। तो हम इसको जो ज्यादा है उसको मान लो 1, 1, इसको 2, 2, इसको 3, 3 लिख दिए, मान लिया। तो हमने ले लिया N1V1+N2V2, इसमें से माइनस क्या कर दिए N3V3 डिवाइडेड बाय V फाइनल, एसिड वाले प्लस कर दिए, बेस का माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया भाई 1+2, ठीक, -1 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इज 300, सो ये आ गया 2/300, ये नेट नॉर्मेलिटी आ गई। बोलो भाई क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब मान लो यहीं पर बेटे, मान लो इसका बी थ्री मैंने ना 1 लीटर दे दिया, ठीक, इसका 1 लीटर दे दिया फॉर अ टाइम, 1 लीटर दे दिया। अब अगर इसको 1 लीटर दे दिया तो 1 लीटर का मतलब ये 1000 मिलीलीटर होगा, तो फिर यहां पे वैल्यू 10 आ जाएगी। अब ये बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो हम लिख देंगे N3V3-N1V1+N2V2 डिवाइडेड बाय फाइनल V, यानी 10 माइनस 1+2 डिवाइडेड बाय
अब कितना आ जाएगा फाइनल भी 100 + 100 + ये 1200। लो जी अब ऐसे सॉल्व कर दिए, बोलो क्लियर। यस सर। जो बड़ा था वो पहले लिख दिया भाई, जो छोटा था वो बाद में लिखना है। आंसर माइनस में थोड़ी निकालना है, ये समझ लो कि हमारा आंसर माइनस में थोड़ी होना है, ठीक। तो उसमें मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स नहीं यूज होना है, मॉड वॉड नहीं लगाने का यहाँ पर, ठीक। सो दिस इज हाउ यू कैन डू नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। अब बोलो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि HCl और H2SO4 मिलके NaOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वैसे ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले क्या हम HCl और H2SO4 को लेफ्ट ओवर वाले फॉर्मूले से हम उसका तो काके वही है, नेट में वही आ रहा है, ये इसके इक्विवेलेंट्स, इसमें से इसके इक्विवेलेंट माइनस बाय फाइनल वॉल्यूम, अरे वही है ये। ओके सर। और कोई दिक्कत। एक बात है, जो डिफिकल्ट पढ़ाना शुरू करूंगा ना प्राण निकाल लोगे तुम मेरे, ठीक। चलो एनी हाउ आई एम रेडी फॉर दैट। तो ये तो था बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। सो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशंस हो गई। अब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पहले पढ़ा था, वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि पीपीएम किसको बोलते हैं, ठीक, पीपीबी किसको बोलते हैं, ठीक, या फिर स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इक्वेशंस क्या होती है, ठीक, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो स्नेहा जी मेरे को 3 दिन से एक क्वेश्चन भेज रही है, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं उनके डाउट को सॉल्व कर दूं, ठीक, क्योंकि वो फिर सोचती रहेंगी अदरवाइज। तो क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, इट इज एन इजी क्वेश्चन। आई थिंक सो, मुझे यहाँ पे दिया है कि एक सॉल्यूशन है 25% मिथाइल अल्कोहल, 25% इथाइल अल्कोहल और 50% एसिटिक एसिड, इसका हमारे को मिक्सचर दिया है। और मान लो इसमें मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, किसी का भी निकालना। हम तो ये जानते हैं कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकालना है, तो उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल वो निकालने पड़ेंगे। इट इज वेरी सिंपल कि हमने टोटल वेट 100 माना हुआ है, तो इसका वेट जो होगा वो 25 होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकालेंगे 25/32। 32 कैसे, मोलर मास इसका 12 + 4 + 16, 32, ये मिथाइल अल्कोहल का हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल ये 25/ यह हो गया 24 और 6, 30 और ये 46 से डिवाइड कर मॉलिक्यूलर मास से। और एसिटिक एसिड 50/60 इसका मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, मॉलिक्यूलर मास से 60, तीनों के मोल्स आ गए। इथाइल अल्कोहल के चाहिए तो 25/46 / 32 + 25/46 + 50/60, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। बोलो भाई स्नेहा जी, क्लियर है कि नहीं। सो दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। सो मोल फ्रैक्शन कोई भी होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट बाय टोटल मोल्स करेंगे, दैट्स ऑल। सो ये सारी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लास्ट चीज, वैसे तो ये काम की नहीं फिर भी। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी, क्या डिस्कस करेंगे,
formality. Now you have to discuss formality. देखो वैसे तो फॉर्मेलिटी अपने आप में फॉर्मेलिटी है ठीक, लेकिन हम भी फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं ताकि कोई फॉर्मेलिटी ना बचे ठीक। तो ये जो फॉर्मेलिटी होती है ये होती है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेज, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेज वेट डिसॉल्वड, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन का एक लीटर हो उसमें कितने फॉर्मूला वेट डिसॉल्व होंगे, यानी फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। If it is in milliliter, then obviously it should be multiplied with 1000. पर सर ये नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट क्या बोला है? ये होता है गिवन वेट, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट जो होते हैं यानी फॉर्मूला वेट, ये जो ऊपर वाला टर्म आया ये आएगा गिवन वेट बाय फॉर्मूला वेट, यानी फॉर्मेलिटी इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट into volume into 1000. तो सर ये फॉर्मूला वेट क्या होता है? सर ये फॉर्मूला वेट क्या होता है बेटा? फॉर्मूला वेट इज नथिंग, सम ऑफ वेट्स ऑफ आयंस। जैसे अगर NaCl है तो NaCl का फॉर्मूला वेट होगा वेट ऑफ Na1 पॉजिटिव प्लस वेट ऑफ Cl1 नेगेटिव। Na1 पॉजिटिव का वेट होगा 23, इसका होगा 35.5, आंसर आया 58.5। ऐसे ही MgCl2 का वेट जो होगा फॉर्मूला वेट, दैट इज वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इनटू वेट ऑफ Cl1 नेगेटिव, यानी मैग्नीशियम का वेट 24 प्लस 2 इनटू 35.5, दैट कम्स आउट टू बी 71 प्लस दिस 95। सर तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम ही होगा। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास? बेटा आयनिक कंपाउंड के मॉलिकुलर मास को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक? आयनिक कंपाउंड के मॉलिकुलर मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट एक्चुअली ट्रू कंपाउंड्स, पिछली क्लास में तुमने मेरे से डिस्कस करवाया, ठीक? सो उसके एक्चुअली जैसे हम किसी आयनिक कंपाउंड को किसी वॉटर या सोल्यूशन में डालते हैं वो आयन्स में टूट जाता है, वो रहता ही नहीं है कंपाउंड की तरह। तो उसका हम क्या करते हैं? उसके आयंस के मास का सम ले लेते हैं, ठीक? तो जैसे अगर आपको बोला फाइंड द फॉर्मेलिटी, फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन containing 5.85 gram of NaCl in 250 milliliter. अब इसके लिए formality तुमसे पूछी है, तो बेटा formality जो होगी, given weight is 5.58, NaCl का formula weight is 58.5, volume is 250 into 1000. This is how you can crack this. So are you clear about what is formality? So bete,
हर तरह की कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें अच्छे से करवा दी गई है, ठीक। सो यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द होमवर्क, है ना बेटा। आपका होमवर्क क्या, ध्यान से सुन, आप सभी के पास नोट्स है ना, एवरीबडी गॉट नोट्स और नॉट? जिसके पास नहीं है आप अनिल सर को फोन कर देना। यस, मॉड्यूल, नोट्स मतलब मॉड्यूल। जिसके पास नहीं है अनिल सर को फोन कर देना, ठीक, वो आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। अब देखो भाई, आपके पास उस नोट्स के अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर जहां कंसंट्रेशन टर्म्स दे दी गई है, उसके पीछे एक कंसेप्ट बूस्टर्स करके होंगे, आई थिंक सो। बेटा फर्स्ट यूनिट है मेरे बच्चे, यहां मैं पांचवा यूनिट नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, इट इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक। उसमें हमारे पास जो बेसिकली बाद में ऐसे करके डब्बे के अंदर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे डब्बे के अंदर, ठीक, जिसको कंसेप्ट बूस्टर स्टाइल लिखा गया होगा, आई थिंक सो, उनको कंसेप्ट बूस्टर लिखा जाता है, ठीक। तो मैंने उसको कंसेप्ट बूस्टर के नाम से ही डाला होगा, ठीक। और उसके बाद आफ्टर दैट कंसेप्ट बूस्टर्स, उसके बाद उसके कुछ बेटे हमारे पास फ्यूल नाम से होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपने सारे ये और सारे ये एक दिन में तो होगा नहीं, ऑब्वियसली फ्यूल फाइव ये एक दिन में तो होगा नहीं। आप आज 11 बजे तक सिर्फ कंसेप्ट बूस्टर होमवर्क में डालेंगे, 11 o'clock तक कंसेप्ट बूस्टर होमवर्क में डालेंगे, और परसों के लिए अभी से होमवर्क है तुम्हारे पास, ठीक। कल शाम तक आप, कल शाम क्या, चलो परसों तक, परसों शाम 11 बजे तक आप पूरा फ्यूल करके डालिए होमवर्क में, सॉल्व करके सारा सारा, ठीक। इट इज टिल डे आफ्टर टू, और ये आज कंसेप्ट बूस्टर आज शाम को 11 बजे तक आपके सबमिट हो जाने चाहिए। आर यू क्लियर? बेटा प्रीति मेरे बच्चे, सर, हाँ जी बच्चे, पहले मेरे को इसका जवाब दें दो। प्रीति मेरे बच्चे, मेरे पास इस समय राइट नाउ मॉड्यूल नहीं आगे रखा हुआ है बच्चे, पेज नंबर नहीं मालूम मुझे। आप ये देखिए कि उसमें आपके पास जो कंसेंट्रेशन टर्म है उसके बाद आप देखिएगा उसमें कुछ कंसेप्ट बूस्टर होंगे बेटा। अच्छा, लोग बता रहे हैं आप ही वाला पेज नंबर 46 बोल रहे हैं, तो पेज नंबर 46 पे ही होगा बेटा, आपने भी यही बोला था प्रीति जी, ठीक। यस, आगे बोलो जी, अब क्या बोलना चाह रहे हो? बेटा आपकी वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी, बेटा आपकी वॉइस, Your voice is not coming to me. Please type करके पूछ लो। Excuse me, sir. जी बेटा।